अच्छा, इसकी स्टोरी ऐसे है कि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे ये प्रिंटर दिया और उसने मुझे बताया कि मैंने अमेज़ॉन से कोई पार्सल लिया था और केजी के हिसाब से ना। मैं हूं अभी लोधी, copio.pk के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने लगे हैं वो है एप्सन का ET16600। ज़बरदस्त प्रिंटर है, A3 साइज़ प्रिंटर है, कलर प्रिंटर है, प्रिंट रेजोल्यूशन इसकी बहुत अच्छी है, 4800 DPI है इसकी, वाईफाई डायरेक्ट करंट है, फ्लेक्स भी है इसके अंदर, कॉपी स्कैन और प्रिंट की ऑप्शन भी मौजूद है, ड्यूल साइड प्रिंटेड है, मतलब ये डबल साइड प्रिंटिंग भी करता है, टच स्क्रीन है इसकी आप देख रहे हैं, और मज़ीद आपको हम इसकी डेमो देंगे, थोड़ी सी ऑपरेटिंग भी बताएंगे इसके बारे में, तो देखते रहिए copio.pk। जी तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो लुक है बहुत ही खूबसूरत लुक है। दो ट्रे हैं इसके अंदर, फर्स्ट ट्रे एंड सेकंड ट्रे। सेकंड ट्रे में आप A3 साइज पेपर भी लगा सकते हैं और इसकी एडजस्टमेंट बहुत ही आसान है। ये देखिए, इसके अंदर A3 साइज पेपर लगा हुआ है और हम इसकी एडजस्टमेंट यहाँ से इजीली इसको मूव कर सकते हैं। अगर आपने छोटा बड़ा करना है ट्रे को, बहुत इजीली हो सकती है। एक ट्रे के अंदर आप तकरीबन 400 पेजेस लगा सकते हैं और ये इसकी सेकंड ट्रे है। यहाँ भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं A4 पर, और A4 आर लगाना चाहते हैं आप आर लगा लें, A4 लगाना चाहते हैं आप A4 लगा लें। एडजस्टमेंट हर तरह से आप इसकी कर सकते हैं। ईजी टू यूज़ है और ये इसकी स्क्रीन है जो कि मूवेबल है, आप इसको मूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो एग्जिट ट्रे है वो यहाँ पर भी आप इसको थोड़ा आगे कर सकते हैं ताकि पेपर आपका यहाँ पर आ सके। ये स्कैनर है इसका, A3 साइज स्कैनर है। इसकी जो स्कैनर की स्पेस है वो तकरीबन 13x19 की शीट आप इस पर स्कैन कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं और फोटोकॉपी भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो है वो 11x17 यूज़ होती है, लेकिन इसमें जो है वो 13x19 की स्क्रीन आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। A3 साइज़ का ही इसका EDF है। ये मैं आपको सिर्फ इसके फंक्शंस के बारे में बताता हूँ थोड़े से। 7500 पेजेस इसके प्रिंट की यील्डिंग है और 6000 पेजेस जो है वो इसके कलर में निकलते हैं। इसके अलावा लो एनर्जी सेविंग पे ये चल जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी यील्डिंग है। पेपर साइज़ मैं आपको बता चुका हूँ। वाईफाई कनेक्टेड जो इसकी रेजोल्यूशन है वो स्कैन की जो है वो 1200x2400 DPI है। प्रिंट रेजोल्यूशन इसकी जो है 4800x2400 है। कॉपी स्पीड इसकी जो है वो 25 PPM है और जो कलर स्पीड है, प्रिंट की स्पीड है वो तकरीबन कलर में इसकी 12 पेज पर मिनट है। आप इसके अंदर 4 कलर यूज़ कर सकते हैं, येलो है, मैजेंडा है, सियान है और ब्लैक है। इजी रिफ़िल हो जाती है यहाँ से, ये आप यहाँ पर से रिफ़िल कर सकते हैं। इसके अंदर आप पिगमेंट इंक यूज़ करेंगे, ठीक, डाई इंक यूज़ नहीं होगी इसके अंदर, पिगमेंट इंक यूज़ होगी। डाई इंक यूज़ करने के लिए आपको इसको टोटली जो है ना वॉश करना पड़ेगा इसके हेडवर्क को, फिर उसके बाद आप इसमें डाई इंक भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट हो चुका है, डाई इंक चलती है इसमें। डायरेक्ट USB, डायरेक्ट फ्लैश प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। चलिए हम इसके पैनल की तरफ आते हैं, तो बड़ा ही स्मार्ट पैनल है, कॉपी स्कैन फैक्स, ठीक है। इसके अलावा मेमोरी डिवाइस आप डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं, फैक्स है इसके अंदर, और वाईफाई डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं। और आप इसकी कॉपिंग चेक करते हैं, मेरे पास एक ये बुक है, इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो ये कॉपिंग है, हम कॉपिंग को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम कलर, अगर हमने ब्लैक एंड वाइट करनी है तो हम ब्लैक एंड वाइट भी बता सकते हैं, हमने कलर करनी है तो कलर पर डायनेस्टी आप अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसको लाइट डार्क आप कर सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छी ऑप्शन है इसकी। हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसकी कॉपिंग स्पीड। डन कर दिया है, अब ये पेपर मांग रहा है आपसे A4 साइज प्रिंट के लिए। फर्स्ट ट्रे से हमने इसको सिलेक्ट किया है कि फर्स्ट ट्रे से प्रिंट करें, और अभी हम देखते हैं इसके ट्रे को भी बारी बार नहीं है बाकी। ये देखिए प्रिंट क्वालिटी नॉट बैड, अच्छी है, ठीक है। ये फोटोकॉपी का प्रिंट है इसका, ये ओरिजिनल है, ये प्रिंट है और ये ओरिजिनल। इस
इसके अलावा रिड्यूस एंड लार्ज भी कर सकते हैं आप, बैक टू बैक कॉपी भी कर सकते हैं आप, टू साइड करना चाहते हैं वो भी है इसके अंदर, और 1/2 भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा इसमें पेपर साइज़ की सेटिंग्स है और अदर सेटिंग्स हैं, जस्ट लाइक बिल्कुल फोटो कापियर है ये, और इंक जेट में बहुत अच्छी चॉइस है ये। अच्छा, इसकी स्टोरी ऐसी है कि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे ये प्रिंटर दिया और उसने मुझे बताया कि मैंने अमेज़ॉन से कोई पार्सल लिया था और केजी के हिसाब से ना, उन्होंने जनाब ये केजी के हिसाब से पार्सल लिया और पार्सल लेके जब ओपन किया तो इसके अंदर ये प्रिंटर निकला। उन साहब ने मुझे जब बताया तो मैंने इसकी रेट चेक किया तो काफ़ी तकरीबन 2 लाख के करीब इसकी प्राइस आ रही थी, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करूं, तो ये इस प्रिंटर की स्टोरी है, ये कि ये अवेलेबल है। आप प्राइस जानने के लिए हमारी साइट हमारी वेबसाइट भी विज़िट करें, और अगर इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, तो हमारे साथ रहिए, देखते रहिए copier.pk।